तो स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा नवरात्रि स्पेशल डे चल रहा है। तो आज है चौथा दिन, और चौथा दिन कहा जाता है कि आज चौथा दिन में कुष्मांडा देवी का दर्शन होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि दुर्गा माँ ही कुष्मांडा देवी है। तो मैं जा रही हूँ हमारे बनारस में, हमारे काशी की बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल दुर्गा माँ का टेम्पल, जो दुर्गा कुंड पे स्थित है, और वहाँ लेके चलती हूँ। घर बैठे लाइव दर्शन कराती हूँ और मैं भी दर्शन करती हूँ। तो चलिए चलते दर्शन करते हैं। तो फाइनली हम लोग टेम्पल में पहुंचने वाले हैं। अगर आप स्टेशन से आ रहे हो तो बस ये 5 किलोमीटर दूरी पे है, और बस 40 रुपीज़ में आप टेम्पल पहुंच सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट ऑटो नहीं जाती है, आप लोग को 2 ऑटो करने होंगे। 20 रुपीज़ रथ यात्रा के लगते हैं और 20 रुपीज़ मंदिर के। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे माता की मुख और चरण पादुका की पूजा की जाती है, और दुर्गा मंदिर के पीछे देवी अन्नपूर्णा और गणेश जी का भी मंदिर है। देवी दुर्गा के केंद्रीय प्रतीकों के मेल खाने के लिए मंदिरों को गेरुआ लाल रंग से बनवाया गया। दर्शन तो हो गए, दर्शन करके हम बाहर निकल गए हैं। तो चलिए कुछ टेंपल के बारे में कुछ बात करते हैं। तो कहा जाता है कि माता ने शुभ निशुभ राक्षसों का वध करके यहाँ पर विश्राम किया था, और ऐसा कहा जाता है कि आदि शक्ति के रूप में माता रानी यहाँ वास करती हैं। ये मंदिर प्राचीन काल से स्थित है। तो चलिए और भी कुछ बताते हैं इस टेम्पल के बारे में। टेम्पल बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ पे माता रानी स्वयं प्रकट हुई। ऐसी मान्यता है कि माता रानी यहाँ पे स्वयं प्रकट हुई है, और यहाँ पे मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, यहाँ पे प्रतीकों की पूजा की जाती है। तो ये मंदिर उन मंदिरों में से एक है जहाँ पे माता रानी स्वयं प्रकट हुई है। तो ये हमारे काशी की सबसे प्रसिद्ध टेम्पल है, जो आप लोग को मैं दर्शन करा रही हूँ।